नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हम पहुंचे हैं अजमेर जिले के पुष्कर विधानसभा। बता दें, यहां दो बार से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन यहां मौजूद लोगों से बात करेंगे कि इस बार यहां क्या लग रहा है, इस बार ये किसकी सरकार ला रहे हैं, इस बार किसकी सरकार आ रही है पुष्कर। कांग्रेस की। कांग्रेस की। बीजेपी के विधायक आपके यहाँ दो साल रहे हैं, मतलब दो बार रहे हैं, तो उन्होंने क्या विकास कार्य नहीं किया पुष्कर? तो भाई बहन लड़ाई यार, कोई विकास कार्य नहीं करियो, कोई विकास नहीं हुआ पुष्कर में। उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर फैलाया हमारे धार्मिक नगरी पुष्कर में, और कोई विकास कार्य नहीं कराया। तो इस साल ये जो पिछला 10 साल हुआ है, इस 10 साल के बीच में यहाँ कुछ दंगे या ऐसा कुछ माहौल बनाया? यहाँ सिटी में दंगे नहीं हुए, दंगे नहीं हुए। किस तरह का सांप्रदायिकता? गाँव में भाई भाई को, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाया है। अच्छा, और विकास की बात करें तो विकास में कोई कार्य नहीं किया? विकास तो पहले से, 10 साल पहले जो विकास हुआ ना, उसको भी डाउन कर दिया उसने, खराब कर दिया उसको भी। तो इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी। क्या लग रहा है आपको इस बार? मैं रूपनगढ़ ब्लॉक से हूँ, और हमारे उधर कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस? तो बीजेपी भी तो मतलब अब मुद्दे लेके आ रही है, कह रही काम कराएंगे। और 10 साल सुरेश जी एमएलए रह गए हमारे, दो दफ़े हैं, तो सुरेश जी का हमने कभी उधर दौरा भी नहीं देखा, और हमने तो शक्ल ही नहीं देखी सुरेश जी की। अच्छा, आपके राजस्थान में एक और पार्टी, तीसरी पार्टी एक्टिव है, आरएलपी का क्या आपके विधानसभा में लग रहा है मौजूदा टाइम पे? नहीं, आरएलपी का हमारे कुछ नहीं है उधर, हमारे कुछ नहीं है उधर। कांग्रेस पार्टी है ज़्यादातर हमारे रूपनगढ़ ब्लॉक में, और नसीम जी जीतेगी हमारे। नसीम जी जीतेगी और नसीम जी को वोट देंगे। और जो बीजेपी है 10 साल से हमारे गांव में पग नहीं दिए। 10 साल हो गया? 10 साल में जो दो बार से बात नहीं किया कभी विधायक से या उस कार्यकर्ता से, सरपंच से बात नहीं किया आपने कभी? नहीं की थी, वो फिर शिकायत किया, फिर भी कहा, हाँ शिकायत की मैंने। क्या बोले? 2-3 किलोमीटर तक हमारे पास में कोई रोड भी, जिसकी भी मैं शिकायत की, वो रोड आज तक नहीं बनी। अच्छा, आप यूथ हैं, कांग्रेस में आप किसको मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहते हैं? कांग्रेस पिछली बार सचिन पायलट ही है, और सचिन पायलट को ही देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पिछली बार उनको, उनका चेहरा दिखा के मुख्यमंत्री नहीं बनाई, इस बार भी उनका चेहरा कहीं ना कहीं पीछे दिख रहा है, तो क्या यूथ में इसको लेके कुछ है माहौल? नहीं, माहौल तो वो बढ़िया है, वो आप कह रहे हो, लेकिन मैं तो सचिन पायलट की कहना चाहता हूँ, और सचिन पायलट का ही आदमी है, कांग्रेस में ही देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो राजस्थान में सचिन पायलट ही बढ़िया है। क्या कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री का चेहरा तो पार्टी हाईकमान करेगा। अरे जनता का मत क्या है, जनता किसको चाहती है? जनता तो दोनों को ही चाहती है। जो दोनों का ये हो गया ना, जो यूथ अलग हो गए हैं, जहां अगर यूथ की बात करें, वैसे सचिन पायलट को चाहते हैं। सचिन पायलट जी। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या है सचिन पायलट? क्योंकि हमने उनके भी खुद के विधानसभा में गया, तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि अब उन पसंद नहीं है, अशोक गहलोत के नाम पे हम वोट देते हैं। युवा है सचिन पायलट, युवा होने की वजह चेहरा है, युवा है, नया चेहरा है। अशोक जी को अब आगे जाना चाहिए, और यहाँ पे सचिन जी को राजस्थान संभालना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में कांग्रेस की हवा ठीक है, वैसे भी हमारे जैसे 10 साल से रहे सुरेश जी रावत एमएलए ठीक है, पर इस पार्टी ने हमारे किसानों के साथ धोखा किया। क्या क्या, किस तरह का धोखा किया? मांग थी ने MSP की मांग की ने, तो हम 6-7-12 महीने हम दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उसका कोई बाद में तो उसको कैंसिल कर दिया गया था। वो वापस तो लिया, वो उसको तो हमारी दबाव के कारण लिया, तो उस कानून को लेना नहीं चाहता था, नहीं हम हमारी किसान भाइयों से कोई मिलने का, बीजेपी वालों ने, मोदी साहब ने कोई मिलने का प्रोग्राम भी नहीं रखा। लेकिन किसानों की बात करें तो अशोक गहलोत सरकार ने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का बीमा माफ़ करेंगे, लेकिन 5 साल तक किसान इसका इंतजार करते, इस पर क्या था? किसानों ने राजीव माफ़ तो नहीं किया? राजीव, ये राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी बोले कर्जा माफ़ करें, कर्जा माफ़ किया ही नहीं। कॉपरेटिव का कर्जा माफ़ किया ना किसान, राजस्थान में कॉपरेटिव का कर्जा पूरा माफ़ किया। बस आपके विधानसभा में, बाकी विधानसभा किसान तो नहीं, उनको वो कह रहे नहीं माफ़। पूरे राजस्थान में कॉपरेटिव माफ़ हुआ, कितना कर्जा माफ़ हुआ? यार 1-1.5 लाख जितने भी थे ना कॉपरेटिव के, वो सब कर्जा क्या कह रहे हैं कोऑपरेटिव में जिता पूरा माफ़ किया। अच्छा, बिजली मतलब किसानों को बिजली फ्री मिल रही है सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ इलाकों में हमने घुमा तो पता चला कि बिजली टाइम से आती नहीं। आपके विधानसभा का क्या माहौल है? टाइम से आती है, 6 घंटा टाइम से टाइम आती है बिजली, टाइम से आ रही है। तो आपके विधायक बीजेपी के हो, टाइम से बिजली भी आ रही, काम भी हो रहा है। हाँ हो रहा है। अजी सत्ता तो कांग्रेस की है, गहलोत की है,
गहलोत के ग्रोथ गहलोत की सरकार का विकास नहीं हुआ। हम तो टूरिस्ट है, पोरबंदर से आए वाले हैं, पूरे गंदगी के अंबार है, ढेर है सारे। कौन सी भी सरकार हो, सचिन पायलट को मौका दीजिए एक बार। सचिन पायलट को इस समय तो कांग्रेस की सरकार है ना यहाँ राज्य में, फिर भी विकास नहीं हुआ, आप खुद कह रहे हैं। विकास नाम की चीज है ही नहीं राजस्थान में, हम बाहर के, हमारा रोड बाहर के है। और ये पोरबंदर गुजरात के है, मोदी जी के फैन है, और ये जो बोल रहे हैं ये सांप्रदायिक वाले आदमी है, मोदी चोर है ये। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, लेकिन एक बार रही वो सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी है ना आपके पीछे, सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी ये गुजरात लामी भारत को खराब कर देगी, भारत की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर देगी। मोदी मीडिया वालों पे दबाव बना रखा है मोदी ने, हमारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं। माफ करे, हम टीवी देखते हैं, हम भी इंसान है, समझते हैं, आपका टीवी भी देखते हैं, मगर इस गुजरात लामी ने पूरे भारत को 50 साल पीछे धकेल दिया। किस तरह से धकेल दिया? गुजरात के सरकार अभी कहाँ भी विकास नहीं है, गुजरात में जो विकास है वैसा कहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ नहीं है, बताइए, कह रहे गुजरात में जो विकास है कहीं नहीं है। हाँ, क्या 25 साल से भाजपा का सरकार है। सुनो, मैं प्रॉपर गुजरात की नहीं कर रहा हूँ, सुनो, अरे हाँ गुजरात से तो विकास पूरा देश का पैसा। गुजरात मॉडल पे बता दे, गुजरात मॉडल पे कितने राज्यों में चुनाव जीता गया, केंद्र के चुनाव भी गुजरात मॉडल पे। आप कह रहे गुजरात में विकास नहीं हुआ, यहाँ आपके पीछे दो गुजराती लोग हैं। गुजरात के अलावा कहीं भारत में विकास नहीं हुआ, और ये पूरा पैसा इसके प्राइवेट जो दोस्त हैं अडानी अंबानी उनको देता है, और सारे एयरपोर्ट वगैरह सब भेजती है शोर ने। आप गुजरात से हैं, आप क्या कह रहे हैं, वहाँ सारा पैसा अडानी अंबानी को जा रहा है, गुजरात में विकास नहीं हो रहा। आपने अपनी सोच रहता है भाई, हम नहीं बोल सकते। सोच है जो भी वहाँ के गवर्नमेंट है उसको ऊपर से, मतलब दिल्ली से बहुत ढेर सारे जो गुजरात के लोग हैं, जो गुजरात के बिजनेसमैन हैं, उनका विकास हुआ है या नहीं, ये बताइए। क्योंकि बार बार हमेशा अडानी अंबानी का नाम आता रहता है कि बाकी का विकास नहीं हो रहा है। वो तो एक राजकारण है, अंबानी अडानी का जो नाम आ रहा है उसका कोई ये वजूद नहीं गुजरात में, वो सारा खेल राजकारण का। गुजरात के लोकल जो लोग हैं, ऐसे बिजनेसमैन का विकास हुआ है या नहीं हुआ है गुजरात में? आप तो गुजरात के। नहीं, विकास सारे विकास हुए हैं, सारे एरिया में विकास हुए हैं, मतलब जो दूसरे स्टेट के है वो कम विकास हुए। धन्यवाद सर। सुनो, ये तो क्या है, गुजराती है, गुजरात में पूरे भारत का पैसा लेकर के छोटे तबके के जो उद्योगपति है वो गुजरात में ख़त्म हो गए। गुजरात में क्या पूरे भारत में ख़त्म कर दिया अडानी अंबानी ने और इस मोदी और अमित शाह ने। अमित शाह और मोदी सांप्रदायिकता का भाषण देते हैं। अच्छा, एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो इस बार राजस्थान में आ रही है, क्या लग रहा है? राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, एक आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसका मारवाड़ पश्चिमी मारवाड़ में नागौर बीकानेर बाड़मेर अच्छा प्रदर्शन करेगी वो। लेकिन पुष्कर से नागौर जुड़ा होने की वजह से मतलब यहाँ काफी उम्मीद भी लगाई जा रही है। अभी उम्मीदवार तो खड़े हैं, ये समीकरण जरूर बिगाड़ेगा, कहीं क्यों इसका बिगाड़ेगा तो कहीं बीजेपी का। आपके विधानसभा से किसका बिगाड़ेगा? यह तो अभी बीजेपी का बिगाड़ेगा, बीजेपी का। हाँ, बीजेपी। कांग्रेस का नहीं? कांग्रेस का नहीं बिगाड़ेगा, कांग्रेस का नहीं, नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं? कांग्रेस तो बीजेपी से टिकट समाज की टिकट मिला, और रावत जी उसके टिकट ले यार, आरएलपी ने टिकट दिया है के ही वो टिकट है उसने। जो आरएलपी का ले रखा है ना, तो वो बीजेपी के ही है, वो तो टिकट वो वोट कटेगा तो बीजेपी का कटेगा। अच्छा, पुष्कर जो है, पुष्कर पर्यटक क्षेत्र से बहुत खास माना जाता है, विदेश से लोग आते हैं, आपके यहाँ 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं, फिर भी विकास स्तर उस स्तर तक नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी है या नहीं है? हाँ, इससे काफ़ी नाराजगी है, इस बार वर्तमान एमएलए से काफ़ी नाराजगी है गांवों में, सिटी में। दो बार में ग्रामीण गांवों में कोई भी काम नहीं करवाया। पुष्कर में 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं, पुष्कर ब्रह्मा जी का एक यहाँ मंदिर है जो पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है, फिर भी यहाँ विकास स्तर बहुत हुआ नहीं है, तो कहीं कहीं लेके जनता में इसको नाराजगी है या नहीं है? नाराज तो क्यों, नाराज तो क्यों, तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या लग रहा है? अजी नाराजगी है तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। इस बार किसको वोट देना है? इस बार किसकी सरकार ला रहे राजस्थान? सरकार तो मैं तो कांग्रेस नहीं लिया, कांग्रेस। हाँ, अच्छा आरएलपी का क्या लग रहा है? आरएलपी हनुमान बेनीवाल, दूसरी पार्टियों कोई मतलब ही को नहीं की, मतलब ही नहीं है। उनसे एक बार बात करते जी। ये इस क्षेत्र से आज के
आधार से ये लगता है कि 10,000 से नसीब अख्तर किस पुष्कर विधानसभा से जीतेगी। 10,000 चलिए ठीक है, अब और भी लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? कांग्रेस आने की पूरी संभावना है। कांग्रेस बिल्कुल 100%। लेकिन आपके आरएलपी भी दावा ठोक रही है, अभी आधी प्रत्याशी पार्टी बनेगी आने वाले टाइम में, और बीजेपी थर्ड पे जाएगी। आपकी आप भी कह रहे हैं केजरीवाल दिल्ली से आ रहे हैं राजस्थान अपनी पार्टी लेकर, अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यार, राजस्थान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, दिल्ली मॉडल पसंद नहीं आ रहा राजस्थान वालों को? अभी नहीं आ रहा है, जब उनके काम देखे जाएंगे पूरे, वो काम तो तभी देखे जाएंगे ना जब यहाँ सरकार में आएंगे। तो अभी जैसे उनको मौका नहीं मिलेगा, अब की बार नहीं मिलेगा, अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, आपका नागौर जिला जो है उससे टच होने की वजह से पुष्कर में यहाँ पे आरएलपी का अच्छा खासा वर्चस्व है, तो क्या लग रहा है इस बार आरएलपी के जो रावत उठे हैं तो किसके तरफ टिकट कटेगा, बीजेपी का या कांग्रेस का? बीजेपी के, बिल्कुल बीजेपी को नुकसान देगा। क्यों क्यों? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के वोट पूरे एक साथ पड़ने वाले, और उसके जो आरएलपी है ना वो वोट काटेगी बीजेपी के, 100% काटेगी। बीजेपी में गोपाल जी बायती हो गए, वो भी वोट आरएलपी मतलब बीजेपी के खाएंगे, और जो अशोक जी हुए हैं रावत वो भी बीजेपी के वोट ही ज़्यादा खाएंगे, कांग्रेस पे उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दुनिया में पुष्कर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, और 10 साल से आपके यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। जिस तरह से अगर बात करें कि मतलब बनारस में जैसे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, महाकाल में कॉरिडोर बनाया गया, आपके यहाँ ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए था ना ये कॉरिडोर, इसको लेके जनता में क्या कुछ माहौल है, जनता में नाराजगी है या नहीं है? जनता में भयंकर नाराजगी है, हमारी सरकार वापस आई कांग्रेस सरकार, और यहाँ से विधायक कांग्रेस का ही जीतेगा, तो हम काशी विश्वनाथ की तरह ब्रह्मा मंदिर में कॉरिडोर बनवाएंगे, और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि पुष्कर सरोवर में जो एक धार्मिक आस्था का पूरा बड़ा केंद्र है उसमें गंदे पानी जाता है उसको हम रोकेंगे। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि आप आरएलपी के समर्थक हैं, क्या बोल रहे थे आप? हम आरएलपी के समर्थक हैं मगर वोट कांग्रेस को देंगे। और बीजेपी? बीजेपी के आपने नाम लिया ना, तो मेरा जो थूक है ना मुँह में उसको थूकना पड़ेगा, मैं घटूंगा नहीं उसको। अच्छा चले, ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका समर्थक भी हैं और कार्यकर्ता भी है, और इनका ये भी कहना है कि आरएलपी भी है और कांग्रेस दोनों गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी से कहीं ना कहीं इनको लेके ज़्यादा नाराजगी नज़र आ रही है। ऐसे सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और आपको सब माहौल बताते रहेंगे, क्या कुछ माहौल है यह सब जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए नमस्कार।